आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। शून्य से शिखर की यात्रा कैसे होती है? संघर्षों से राह कैसे बनती है? इसके एक आदर्श प्रतिमूर्ति हैं हमारे आज के समारोह के मुख्य अतिथि, जिनका मार्गदर्शन कुछ ही देर में हमारे इस गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के उपाधि प्राप्त करने वाले इन सभी नए छात्रों को नए जीवन में प्रवेश करने के लिए प्राप्त होने वाला है। इस अवसर पर उपाधि प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालय के सभी 7,900 से अधिक छात्र छात्राओं को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं और उन सबके उज्ज्वल एवं मंगलमय भविष्य की कामना करता हूं। विश्वविद्यालय का नामकरण गौतम बुद्ध के नाम पर हुआ है। आपने गौतम बुद्ध के जीवन में बहुत सारी विशेषताएं देखी होंगी। और जीवन के जिन रहस्यों को उन्होंने उद्घाटित किया था, वे हर मनुष्य के इर्द गिर्द घूमती हैं। बुद्ध ने कहा था, समस्या है, यानी पहले हमने उसको स्वीकार करना, चुनौती को स्वीकार करना। समस्या का समाधान भी है। आपने जो समस्या को स्वीकार किया तो उसके समाधान का रास्ता भी आपको तलाशना पड़ेगा। और समाधान है तो उसका निवारण भी है। अक्सर होता क्या है, हम समस्या को ही स्वीकार नहीं करना चाहते। हमारी विफलता का रहस्य कहां छुपा है? जब हम समस्या से मुंह मोड़ते हैं, उससे भागने का प्रयास करते हैं, उसको जब स्वीकार ही नहीं करते, तो सबसे पहले समस्या को स्वीकार करना और हर समस्या का समाधान करने के लिए एक राह भी होती है, उस राह को चुनना, समाधान का रास्ता। और याद रखना, हर रास्ते मंजिल तक ही पहुंचते हैं, बशर्ते हम स्वयं हिम्मत न हारें। तो समस्या का समाधान भी है और मंजिल में पहुंच गए तो उसका निवारण भी है। बुद्ध का यह जीवन हम सब के लिए, चाहे वह छात्र हो, चाहे वह शिक्षक हो, चाहे वह उद्यमी हो, चाहे वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में है, उन सब के जीवन में बराबर घटित होता है। लेकिन उस राह को कोई उपयोग नहीं करना चाहता। बुद्ध का जीवन अपने आप में बहुत रोमांचक है, प्रेरणादायी है। देश और दुनिया को एक नई राह दिखाने वाला है। हमने उसे किस रूप में स्वीकार किया, यह हम पे निर्भर करता है। जब उन्हें ज्ञान भी प्राप्त होता है, उसकी भी अलग अलग घटनाएं हैं। आपकी तरह ही अंतर केवल इतना है कि बुद्ध राजमहलों में कैद हो गए थे, एक सिद्धार्थ, एक राजकुमार के रूप में।
आप अपने शिक्षण संस्थानों में कैद हो जाते हैं। शिक्षा की हमारी व्यवस्था हमें शिक्षित तो कर पाएगी, लेकिन जब तक उस शिक्षा के साथ व्यावहारिक ज्ञान नहीं होगा तब तक वो हमें ज्ञानवान नहीं बना पाएगी। और दोनों में यही अंतर है, एक आपका थ्योरिटिकल पक्ष है, थ्योरी का पक्ष है, सैद्धांतिक ज्ञान जो आपने शिक्षण संस्थानों में जोड़ा है, जिसकी एक नई शुरुआत गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय आज फिर से प्रारंभ करने जा रहा है, उसको व्यावहारिकता के साथ जोड़ना। जब हमारे शिक्षण संस्थानों से कोई उपाधि धारक निकले तो वह किसी भ्रम की स्थिति में न रहे, उसके सामने अपनी मंजिल तक पहुंचने का राह स्पष्ट हो, और यह हम सबके जीवन में अक्सर होता है। बुद्ध ने वे राह हमें दिखाई, स्पष्टता के साथ दिखाई। वे राजमहल में थे, देश और दुनिया की जानकारी नहीं। बुद्ध के मन में अचानक इच्छा होती है कि मैं देखूं तो बड़ा हो गया हूं, क्या है राज में, बाहर भी कुछ है कि नहीं है। तो निकलते हैं बाहर, उनको सबसे पहले एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई देता है, अपने सहयोगी से कहते हैं, मंत्री से पूछते हैं, ये कौन है, ऐसे कमर इसकी ऐसी कैसे हो गई है। तो उन्होंने कहा बुजुर्ग है। कहा बुजुर्ग क्या होता है, कहीं हर व्यक्ति के जीवन में होना है। कहा क्या मैं भी ऐसे हो जाऊंगा, कहा हां ये तो सबको होना है। तो वापस चल गए उनकी, क्योंकि कभी उन्होंने समस्याओं का सामना ही नहीं किया था। वापस घर में आ गए, सोचने लग गए, अरे मैं तो युवा हूं, एक दिन मैं भी ऐसे हो जाऊंगा, क्या होगा फिर मेरे यौवन का। वापस आ गए, फिर कुछ दिनों के बाद उनके मन में इच्छा हुई कि फिर निकलता हूं। देखते हैं कि एक जगह एक बीमार आदमी को लेकर के चार लोग जा रहे हैं। उसने पूछा ये क्या है, कहा बीमार व्यक्ति है। कहा बीमारी क्या होती है, कहा तो हर व्यक्ति के लिए है, एक शिशु युवावस्था में पहुंचता है, युवावस्था के बाद फिर उसकी एक जवानी आती है, फिर बुजुर्ग बुढ़ापा आता है, और फिर एक समय के बाद शरीर जर्जर होता है तो बीमार भी होता है। तो कहा क्या मैं भी बीमार हो जाऊंगा, कहा एक उम्र के बाद तो कुछ दिन के लिए तो कुछ देर के लिए तो होना ही पड़ेगा। तो फिर वापस आते हैं, और वापस आने के बाद फिर उनके मन में कुछ दिनों के बाद इच्छा होती है कि मैं देखूं क्या है। तीसरी बार की घटना उनको झकझोरती है कि चार लोग कंधा लेकर के एक व्यक्ति को लेकर के चल रहे हैं। उन्होंने कहा ये क्या है, कहा कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, उसके सगे संबंधी उसका अंतिम संस्कार करने के लिए लेके जा रहे हैं। कहा अंतिम संस्कार का मतलब क्या होता है, कहा मृत्यु क्या होती है। तो मृत्यु के बारे में सिद्धार्थ जानने की इच्छा से जब उनको पता लगता है कि एक दिन यह शरीर नष्ट हो जाएगा, जीवन की जो शाश्वतता हम सोचते हैं राजमहलों में वह नहीं रहेगी, तो बुद्ध अब शाश्वत खोज में निकल पड़े। शाश्वत शांति की खोज कहां होगी, कैसे प्राप्त होगी, कैसे हम इसे प्राप्त कर सकते हैं, और फिर वह सब कुछ छोड़ करके निकल पड़ते हैं। उन्होंने जीवन में ज्ञान प्राप्त करने के बाद तीन उपदेश दिए हैं अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को। पहला उपदेश क्या है, धम्मं शरणं गच्छामि, आपने यहां जब विश्वविद्यालय के कुलपति आपको दीक्षांत उपदेश दे रहे थे, दीक्षांत उपदेश भी
भारत के गुरुकुल की परंपरा में उपनिषदों की तैतृय उपनिषद के उपदेश हैं, जिसमें एक गुरु शिक्षा के उपरांत अपने शिष्य को उपदेश दे रहा है। उपदेश क्या है भाई? तुमने जो कुछ भी अर्जित किया है इसका सार क्या है? सार यही है, सत्यम वद धर्मम चर। सत्य बोलना और धर्म का आचरण करना। बुद्ध भी यही कहते हैं, धम्मम शरणम गच्छामि, धर्म की शरण में जाता हूं। धर्म क्या है? धर्म पूजा पद्धति नहीं है। धर्म जीवन के शाश्वत मूल्य हैं, सदाचार, नैतिक मूल्य और कर्तव्य, इनका जो समन्वित रूप है, जो हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में रहेगा। ये उपासना विधियां, पूजा पद्धतियां, ये देश, काल और परिस्थिति के अनुसार बदलती हैं। या आवश्यक नहीं कि हर समय आप एक ही स्थान पर, एक ही जगह में, एक ही प्रकार की पूजा पद्धति को मानेंगे या लोग मानेंगे। ये देश, काल, परिस्थिति के अनुसार बदलती जाएंगी। लेकिन धर्म एक शाश्वत व्यवस्था है और उसे जो हमें इन सभी मूल्यों के साथ जोड़कर के आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। बुद्ध ने भी प्रत्येक नागरिक को, अपने प्रत्येक शिष्य को, अपने प्रत्येक अनुयायी को इस मार्ग का अनुसरण करके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। 200 उपदेश उन्होंने दिया। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब बुद्ध की शरण में मत आओ, बुद्धि की शरण में। बुद्ध का मतलब विवेक से है। हम विवेकशील बने जीवन में, कोई कार्य करना हो 10 बार सोच लो और जब एक बार आगे बढ़ जाओ तो फिर पीछे मत हटो। अक्सर होता क्या है, हम कोई राह चुनते हैं, कुछ दूर आगे बढ़ते हैं, फिर पीछे हो जाते हैं, क्योंकि हमने तय ही नहीं किया कि हमारा रास्ता क्या है, हमारी मंजिल क्या है। रास्ता चुनने में जो भय होता है, जो दिक्कतें होती हैं, यहीं से कंफ्यूजन होता है। उस कंफ्यूजन से दूर होना, बुद्ध ने उससे हमें दूर किया। उन्होंने कहा विवेकशील बनकर के ही कोई निर्णय करो। और तीसरा, संगम शरणम गच्छामि, संगठित होकर के कार्य करना, टीम वर्क। याद रखना, टीम वर्क परिणाम देता है। सामूहिकता, सामूहिक रूप से निर्णय लेने की सामर्थ्य, ये लोकतंत्र की ताकत भी है। यही हम सबकी ताकत है। विश्वविद्यालय हो या महाविद्यालय, कोई उद्योग जगत हो या कोई परिवार, अगर कोई व्यक्ति, एक ही व्यक्ति जबरन अपनी बात को थोपने का प्रयास करेगा, अन्य लोगों की बात को नहीं मानेगा, परिवार में विद्रोह हो जाता है, लोग नहीं मानते एक समय के बाद। एक टीम वर्क परिणाम देता है। टीम वही परिणाम देती है जो संगठित होकर के, एकजुट होकर के, वन लीडरशिप में कार्य करती है। और वो परिणाम संगम शरणम गच्छामि, संगठित होकर के, एकजुट होकर के कार्य करना है। और बुद्ध का यह उद्देश्य मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। आपने देखा होगा जीवन की संपूर्णता को लेकर के बुद्ध ने इस कार्यक्रम को अपना आगे बढ़ाया। और बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद 36 वर्ष बुद्ध ने केवल सामाजिक जन जागरण के कार्यक्रम के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। आप सब उस कालखंड के उस महान संत के परंपरा के नाम पर बने हुए विश्वविद्यालय, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के छात्र हैं, जिन्हें आज विश्वविद्यालय अपने द्वितीय दीक्षांत समारोह में उपाधि वितरित कर रहा है। विश्वविद्यालय के पास अनंत संभावनाएं आगे बढ़ने की।
इन अनंत संभावनाओं को अपने जीवन में समेट करके जीवन की राह को चुनना और उस राह को चुनते हुए अपना मार्ग प्रशस्त करना, यह हरेक नागरिक के लिए भी आवश्यक है। समाज के हित में भी यही है और राष्ट्र के हित में भी यही है। और उन्हीं मूल्यों को समाहित करते हुए इस विश्वविद्यालय ने अपनी पहचान को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। युवा साथियों, भारत का हित हो या वैश्विक समुदाय का हित, यह युवा पीढ़ी को तय करना है। यह हमारा सौभाग्य है कि आज दुनिया के सबसे अधिक युवा भारत के अंदर हैं और भारत में सबसे अधिक युवा उत्तर प्रदेश में है। थोड़ा सा प्रयास हम करते हैं तो कैसा परिवर्तन होता है, कैसा परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन के हम भी वाहक बन सकते हैं, हम भी वाहक बन सकते हैं। हमने अपने महाविद्यालयों को, विश्वविद्यालयों को, अपने इंस्टीट्यूशंस को एक टापू बना दिया है जिसका देश और दुनिया से कोई संवाद नहीं, कोई संपर्क नहीं। विश्वविद्यालयों का मतलब केवल डिग्री बांटने का, उपाधि बांटने का एक अड्डा हो गया। विश्वविद्यालय केवल शैक्षिक डिग्री या सर्टिफिकेट या डिप्लोमा बांटने के माध्यम न बने, बल्कि समाज के साथ और राष्ट्र के साथ उसका तारतम्य किस रूप में है, इसका भी उसको सशक्त माध्यम बनना पड़ेगा। जिस समाज के बीच से हम लोग निकले हैं, क्या उस समाज के प्रति हमारा कोई दायित्व नहीं है? हम इतने बड़े विश्वविद्यालय में रह करके जो अध्ययन कर रहे हैं, इस विश्वविद्यालय के निर्माण में क्या समाज का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है? इसकी एक एक ईंट समाज के सहयोग से प्राप्त पैसे से लगी है और इसलिए समाज के प्रति कृतज्ञता का भाव पैदा करना है। जो आपने दीक्षांत उपदेश में इस बात को कहा कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने माता पिता, आचार्य या अतिथि को किसी चेयर में बिठा करके और धूप बत्ती और दिया धूप दिखा करके उनकी आरती करिए। उनके प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव होना, क्योंकि उनके कारण आप इस धरती पर हैं, उनके कारण आप इस शिक्षा के मंदिर में हैं, उनके कारण आप आगे बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार कर पा रहे हैं। एक कृतज्ञता का भाव, और यह भाव ऐसे ही समाज के प्रति भी, कि हमें यह विश्वविद्यालय इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है, सरकार एक माध्यम है, लेकिन यह किसका कंट्रीब्यूशन है? समाज का। तो समाज के प्रति हमारा दायित्व क्या है? इस दायित्व के लिए, समाज के लिए, और मुझे प्रसन्नता है गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ने जब देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई आगे बढ़ी, तो मैंने विश्वविद्यालय से कहा था, मैंने कहा विश्वविद्यालय को केवल डिग्री बांटने तक सीमित नहीं होना होगा, बल्कि इससे आगे भी जाना होगा। सोशल इंपैक्ट स्टडी की जब बात आई तो गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ने इस कार्य को अपने हाथों में लिया और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सोशल इंपैक्ट स्टडी का कार्य विश्वविद्यालय ने किया। तो स्वाभाविक रूप से एक आपकी फैकल्टी को भी और आपके छात्रों को भी एक नया अनुभव हुआ और विश्वविद्यालय की इनकम भी बढ़ी। पैसा बुरा थोड़ा होता है, लेकिन नैतिक तरीके से अगर वो विश्वविद्यालय में आ रहा है तो हमें लेने में संकोच थोड़ा करना है। और विश्वविद्यालय ने सोशल इंपैक्ट स्टडी के माध्यम से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। आज इस प्रकार के 3 MOU महामहिम उपराष्ट्रपति जी के सम्मुख विश्वविद्यालय, क्योंकि कई विश्वविद्यालय के विजिटर के रूप में, कुलाधिपति के रूप में,
उनका आशीर्वाद देश की युवा शक्ति को प्राप्त होता है। जीवन का एक लंबा अनुभव जीवन का उनके पास है। शून्य से शिखर की उस यात्रा के वे पथिक हैं जो आज देश के भारत गणराज्य के एक संवैधानिक पद पर बैठ करके भारत के उच्च सदन के चेयरमैन के रूप में पूरे देश को एक नया मार्गदर्शन दे रहे हैं। और इसलिए यह दूसरा इंस्टीट्यूशन का इंडस्ट्री के साथ आपस में जुड़ाव उस बड़े कार्यक्रम को भी हम माध्यम बना सके। हमारी संस्थाएं इनोवेशन के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेंटर बने, वहां से निकले हुए छात्र जब कहीं निकले तो दिखना चाहिए कि हां ये छात्र अपना राह स्वयं चुन लेगा। और उसी राह को बनाने के लिए आज हम सब इस दीक्षांत समारोह में यहां पर उपस्थित हुए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि यहां पे 8 छात्रों को गोल्ड मेडल प्राप्त हुए हैं और तमाम वे छात्र भी यहां पर हैं जो हमारे मित्र देशों से जुड़े हुए उन देशों से हैं जिन्होंने बुद्ध को आत्मसात किया है, बुद्ध को अपने जीवन में आत्मसात किया है। थाईलैंड, लाओस, म्यांमार और भी अन्य देश हैं जो लोग बुद्ध के जीवन से बहुत कुछ प्रेरणा प्राप्त करते हैं और उन्होंने दुनिया के अंदर अपने जज्बे से, अपने संघर्ष से, अपनी कृतज्ञता के भाव से, चाहे वो जापान हो, चाहे वो कोरिया हो, इन देशों ने बुद्ध के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करते हुए, अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करते हुए इनोवेशन में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक नई मंजिल हासिल की है, दुनिया को एक नई राह दिखाने का काम किया है। और इस अवसर पर इतने बड़ी संख्या में छात्र हैं, ये नई संभावनाओं को आपको आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा भी देती है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से उपाधि प्राप्त करने वाले आप सभी छात्र छात्राओं को हृदय से बधाई देता हूं, आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं। संजोग से इस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति प्रारंभ से ही मुख्यमंत्री रहा है, तो आपको तो वैसे भी कोई समस्या नहीं आने वाली यहां के लिए। देने वाला तो देना चाहता है लेकिन लेने वाले की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। उस प्रकार का व्यवहार, उस प्रकार का आचरण होना चाहिए, उस प्रकार की सामर्थ्य विकसित करनी होगी और उसके लिए विश्वविद्यालय अपने आप को तैयार करेगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आज के समारोह के मुख्य अतिथि भारत के हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि विजिबिलिटी कम होने के बावजूद सड़क मार्ग से समय से पहले वे दीक्षांत समारोह के लिए यहां पर उपस्थित हुए। आप सबके लिए भी एक नई प्रेरणा है ये, याद रखना। मीटिंग में अक्सर लेट में पहुंचने की जो आदत है ना, उन लोगों के लिए भी यह एक नया उदाहरण है कि भारत का उपराष्ट्रपति दीक्षांत समारोह में राज्य सरकार के औद्योगिक विकास विभाग के द्वारा संचालित एक विश्वविद्यालय में समय के पहले आकर के युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा देकर के गए हैं, एक नया आदर्श छोड़ करके गए हैं। और इससे उनका आज का यहां पे आगमन हम सब के लिए एक नई प्रेरणा है। मैं उनका हृदय से अभिनंदन